नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी और गायत्री मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास जो सन 2022 के अंदर आयोजित किए गए, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले। देखिए दोस्तों, पहला अभ्यास है अल नजात, आपके अभ्यास है ये भारत और ओमान के बीच में, लिख लेना दोस्तों अल नजात जो है नोट करना, ये भारत और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज कौन सी है, अल नजात एक्सरसाइज। अगर मैं पूछूं आपसे बिनवैक्स दोस्तों लिखिएगा, ये भारत और वियतनाम, किसके बीच में, भारत और वियतनाम के बीच में लिखिएगा, बिनवैक्स एक्सरसाइज जो है वो भारत और वियतनाम के मध्य होती है। समुद्री साझेदारी अभ्यास दोस्तों याद कीजिए, इंडिया और जापान के बीच में और इंडिया और फ्रांस, लिखिए इंडिया और दोस्तों फ्रांस जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित होती है। समुद्री दोस्तों साझेदारी अभ्यास जो है MPX जो है मैरिटाइम दोस्तों पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। अगर मैं पूछूं आपसे युद्ध अभ्यास दोस्तों नोट करना, युद्ध अभ्यास जो है ये दोस्तों इंडिया और USA के बीच में आयोजित होता है, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। एक्वेरिन दोस्तों नोट करना है, एक्वेरिन किसके बीच में होता है, भारत और मालदीव के बीच में, लिखिएगा भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन दोस्तों एक्सरसाइज होती है। एक्स वज्र प्रहार पूछूं अगर मैं आपसे तो नोट कीजिए दोस्तों, अगर पूछे वज्र प्रहार एक्सरसाइज, ये भारत और दोस्तों अमेरिका के बीच में आयोजित होती है और इस बार दोस्तों नोट करना ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हुई है। इसके बाद बात करें दोस्तों उदार शक्ति, याद करना उदार शक्ति जो है वो भारत और दोस्तों मलेशिया जो है इनके बीच में कौन से एक्सरसाइज है, उदार शक्ति छापना भारत और मलेशिया। और मैं पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछे सिटमैक्स एक्सरसाइज जो है ये किनके बीच आयोजित होती है, नोट करना सिटमैक्स सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड, नोट करना सिंगापुर दोस्तों इसके साथ में इंडिया भारत है और साथ में छापेगा थाईलैंड जो है इनके बीच में होता है सिटमैक्स एक्सरसाइज। और अगर पूछे सिमबैक्स दोस्तों नोट करना, अगर मैं पूछूं आपसे सिमबैक्स तो नोट करना सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है, सिमबैक्स एक्सरसाइज सिंगापुर और भारत के मध्य होता है। बोस्टोक 2022 की बात करूं मैं आपसे, लिखिएगा बोस्टोक जो है ये भारत और दोस्तों किसके बीच में, ये भारत इसमें भाग लेने वाला है, आयोजित दोस्तों कहां पर होने वाली है, रूस में इसका आयोजन होने वाला है, बोस्टोक एक्सरसाइज का आयोजन रूस में होगा और भाग दोस्तों कौन लेगा, भारत इसमें भाग लेगा। पिच ब्लैक 2022 छापेगा दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा और नोट करना दोस्तों भारत भी इसके अंदर भाग लेने वाला है। आगे देखिएगा काजिंद एक्सरसाइज नोट कीजिए, इंडिया और दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। समुद्री साझेदारी अभ्यास देखिए, एक तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है MPX मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एक इंडिया और जापान के बीच में, नोट करना एक इंडिया जापान के बीच में और एक दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। हैंड इन हैंड याद कीजिए दोस्तों, भारत और चीन के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, इंडिया चाइना के बीच में हैंड इन हैंड होता है। अगर पूछे सूर्य किरण दोस्तों नोट कर लेना, सूर्य किरण जो है वो किसके मध्य होता है, इंडिया और नेपाल के मध्य, भारत और दोस्तों नेपाल के मध्य सूर्य किरण एक्सरसाइज आयोजित होता है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे रिमपैक 2022, तो याद कीजिए रिमपैक दोस्तों, अगर मैं पूछूं कहां पर इसका आयोजन हो रहा है, हवाई द्वीप में दोस्तों USA के अंदर आयोजित हो रहा है और इंडिया में, इंडिया की तरफ से कौन भाग लेगा, अरे पैक रसगुल्ला, वही दोस्तों सतपुड़ा, याद कीजिए पैक और BD का पुड़ा, INS सतपुड़ा जो है वो इसमें दोस्तों भाग लिया। इंद्र की बात करूं मैं आपसे नोट करना, इंडिया और दोस्तों भारत और रूस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, इंद्र एक्सरसाइज। मालाबार दोस्तों याद कीजिएगा, क्वेड जो देश है इनके जो चार दोस्तों देश हैं, इंडिया हो गया, जापान हो गया रसगुल्ला, ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों साथ में और एक लिखिएगा, एक हो गया दोस्तों USA, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया USA इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज। अगर बात करूं मैं आपसे गरुड़ शक्ति दोस्तों, गरुड़ शक्ति पूछू या फिर रसगुल्ला, समुद्र शक्ति पूछू मैं आपसे तो नोट करना, दोनों एक्सरसाइज इसके बीच में होती है, ये इंडिया और दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति। अगर पूछे केवल शक्ति दोस्तों नोट करना, इंडिया और फ्रांस के बीच में, उदार शक्ति में पूछूं आपसे इंडिया और मलेशिया के बीच में, मित्र शक्ति पूछूं मैं आपसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति पूछूं दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया। तो लिख लेना शक्ति, अगर मैं पूछूं दोस्तों नोट करना, शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और दोस्तों किसके बीच में होती है,
फ्रांस के बीच में होती है सकती, ठीक है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022, ये लिखना दोस्तों। नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नाटो दोस्तों संगठन जो है, उसकी एक्सरसाइज कौन सी है? नेपच्यून स्ट्राइक है। अगर बात करूं मैं आपसे, खंजर दोस्तों लिखिएगा, भारत और दोस्तों किर्गिस्तान जो है, भारत किर्गिस्तान, इनके बीच में कौन सी है? खंजर एक्सरसाइज है। और इंडिया और दोस्तों उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक है। और दोस्तों ध्यान रखना, इंडिया और दोस्तों आपके कजाकिस्तान के बीच में काजिंद है। पश्चिमी लहर दोस्तों एक्सरसाइज जो है, ये नेवी किसकी? भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज दोस्तों, पश्चिमी घाट पर इसका आयोजन किया गया। चीरू की बात करूं मैं आपसे, चाइना इंडिया, चाइना ईरान और रशिया, क्या चीन दोस्तों, इसके अलावा ईरान और इसके अलावा दोस्तों रशिया जो है, इनकी जो नेवी की दोस्तों एक्सरसाइज है, नौसेना की जो एक्सरसाइज है, उसका नाम है चीरू। चाइना ईरान और दोस्तों रशिया, इनकी नेवी की एक्सरसाइज है। सुरक्षा कवच 2022 नोट करना, पुणे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया गया। और सेना और पुलिस दोस्तों दोनों की एक्सरसाइज कौन सी है? ध्यान रखिएगा, सेना और पुलिस जो है, सुरक्षा कवच 2022 और नोट कर लेना, पुणे महाराष्ट्र में आयोजन हुआ। अगर बात करूं मैं आपसे, एक्स ईस्टर्न ब्रिज दोस्तों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, भारत और ओमान के मध्य होती है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो है वो इंडिया और दोस्तों ओमान के मध्य है, इंडिया ओमान के मध्य अल नगावी दोस्तों होती है। इसके अलावा मिलन 2022, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे दोस्तों राष्ट्र की एक्सरसाइज है। और विशाखापट्टनम में नौसेना की दोस्तों एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश इसके अंदर शामिल है। कहां पर आयोजन हुआ? विशाखापट्टनम के अंदर आयोजन हुआ। धर्म गोर्जियन की बात करूं मैं आपसे, लिखिएगा, भारत और दोस्तों, भारत और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? धर्म गोर्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती है। इसके बाद बात करें डस्टलिक दोस्तों एक्सरसाइज, लिखिएगा, इंडिया और भारत और रसगुल्ला किसके बीच में? इंडिया और दोस्तों उज्बेकिस्तान, इनके बीच में होती है। ध्यान रखिएगा, डस्टलिक एक्सरसाइज। लामितिए, इंडिया और सेशल्स नोट करना दोस्तों, भारत और सेशल्स के बीच में लामितिए एक्सरसाइज होती है। अगर बात करें श्री नेक्स्ट, लिखिए, इंडिया और श्रीलंका जो है, इंडिया श्रीलंका छापेगा दोस्तों, श्री नेक्स्ट। अगर बात करूं मैं आपसे, सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर। अगर बात करूं मैं आपसे, सिटमैक्स इंडिया श्रीलंका, इंडिया सिंगापुर और दोस्तों थाईलैंड है। इसके बाद बात करते हैं वायु शक्ति एक्सरसाइज दोस्तों, ये पोखरण के अंदर इसका आयोजन होता है। और इंडिया की दोस्तों जो एयर फोर्स है वो इसके अंदर शामिल होती है, वायु सेना इसके अंदर शामिल होती है। ऑपरेशन गंगा, याद करो दोस्तों, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे होते हैं उन्हें वापस दोस्तों भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का संचालन किया गया है। अगर पूछे वरुण 2022, गरुड़, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, गरुड़ या शक्ति या दोस्तों वरुण, ये तीनों किसके साथ होती हैं? इंडिया और फ्रांस के बीच में। नोट करना, वरुण दोस्तों, इसके अलावा शक्ति लिख लेना, इसके अलावा दोस्तों गरुड़ भी लिख लेना, ये तीनों की तीनों छापिएगा, भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ या जॉक्स शक्ति जो है, ये तीनों दोस्तों किसके बीच में होती है? भारत और फ्रांस के बीच में होती है। बोंगो सागर लिखिए, भारत और दोस्तों बांग्लादेश जो है, शेख हसीना जुल्फों वाली दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज आयोजित होती है। संप्रीति, अरे प्रीति किससे लगाई दोस्तों? लिखिएगा, बांग्लादेश, शेख हसीना लिखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय, क्या अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों, अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनके लिए दोस्तों कौन सा है? उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे, ऑपरेशन सरधवा लिखिएगा, बॉर्डर दोस्तों सिक्योरिटी जो फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, सर्दियों में दोस्तों आपके जो एक्सरसाइज आयोजित होती है उसको बोलते हैं ऑपरेशन सरधवा, बीएसएफ के द्वारा होता है। ऑपरेशन परिवर्तन, गांजे की दोस्तों जो खेती होती है इसे रोकने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन परिवर्तन स्टार्ट किया। अगर बात करूं मैं आपसे, ऑपरेशन उपलब्ध दोस्तों, याद कीजिएगा, ये किसके द्वारा? ये दोस्तों रेलवे आपके जो है आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों, जो आपके टिकट जो है इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए, लिखिएगा, कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध जो है शुरू किया गया। वही दोस्तों आरपीएफ के द्वारा, लिखिए ना, रेलवे सुरक्षा जो बल है इसी के द्वारा दोस्तों आपके तस्करी को रोकने के लिए कौन सा स्टार्ट किया गया है? ऑपरेशन आहट जो है, तस्करी को रोकने के लिए स्टार्ट।